नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शुभेंदु शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका शिक्षा पर्व मनाया गया। इसके अलावा नौगांव में 10 क्विंटल से भी ज्यादा नकली मावा की हुई जब्ती। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं के प्रवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया बालिका शिक्षा पर्व। जिले भर में 1313 छात्राओं को दी गई 2000 रुपए की छात्रवृत्ति। त्योहारी सीजन पर बड़ी मात्रा में नकली मावा आ रहा छतरपुर। मुखबिर की सूचना पर नौगांव पुलिस ने किया 10 क्विंटल से भी ज्यादा नकली मावा जब्त। बुधवार को नगरपालिका में मेला जल विहार में रही ऑर्केस्ट्रा की धूम। देर रात तक फिल्मी धुनों पर थिरके दर्शक। नौकरानी ने पर्स से निकाले पैसे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हरकत। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। छतरपुर में ऑडिटोरियम में बालिका शिक्षा पर्व मनाया गया। इसके अलावा 4 अन्य जगहों पर भी इस तरह का पर्व मनाया गया। इस पर्व के माध्यम से सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा यानी कि 6वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के खाते में 2000 रुपए छात्रवृत्ति दी गई, जिससे कि ये छात्राएं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। छतरपुर में कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा गया था, जिसमें राज्य मंत्री ललिता यादव, बिजावर विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, कलेक्टर रमेश भंडारी, जिला पंचायत सीईओ सहित बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्राएं भी यहां उपस्थित थीं। पूरे जिले भर में 1313 छात्राओं को ये छात्रवृत्ति उनके खाते में दी गई है। छतरपुर के अलावा लवकुशनगर, बिजावर, बक्सवाहा और बड़ा मलहरा में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, तो बेटियों को कहीं ना कहीं इससे पहले बेटियों को हीन भावना से देखा जाता था कि बेटी पैदा होती थी, माता पिता के सीने का बोझ रहती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना बना करके इस योजना को पूरे राष्ट्र ने सराहा। कई प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ लाडली शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। उसी के तहत छतरपुर जिला में भी 5 स्थानों पर लाडली शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर प्रॉपर में, बिजावर में, बड़ा मलहरा में, बक्सवाहा में और लवकुशनगर में। इसके तहत जो हमारी लाडली लक्ष्मी योजना की बच्चियाँ कक्षा 6वीं में प्रवेश कर गई हैं, उनको ई पेमेंट के माध्यम से 2000 रुपये उनके खाते में दे रहे हैं। और पूरे जिला में 1313 लड़कियों को हम लोग छात्रवृत्ति 2000 रुपये के मान से आज वितरित कर रहे हैं। त्योहारी मौसम में हर बार नकली मावे की खेप छतरपुर आती है और यहां से अन्य जगहों तक पहुंचाई जाती है। इस बार भी नकली मावा आने की सूचना नौगांव पुलिस को मुखबिर के द्वारा मिली और पुलिस ने नाकेबंदी करके 3 बसों से लगभग 10 क्विंटल से भी ज्यादा नकली मावा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब खाद्य विभाग को ये मावा सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद जाँच करने के बाद इसको नष्ट करने की कार्यवाही की जाएगी। ये मावा मुरैना एवं झांसी जिले से आना बताया गया है। इनके मालिकों के संबंध में बस वालों ने जानकारी की तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उनका वहाँ से चढ़ा दिया था। बोला वहाँ छतरपुर स्टैंड और नौगांव स्टैंड में हमारा आदमी उतार लेगा। और ये करीब 11-12 क्विंटल मावा है, ये 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत का है। ये दूषित मावा है और आगामी दीपावली के त्यौहारों के मद्देनज़र रखते हुए मिलावटी मिठाई बनाने के काम में लाया जाना था, जिससे काफ़ी आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती थी।
मेला जल विहार में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन बुधवार को किया गया था। ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर, नए और पुराने फिल्मी गीतों की धुनों पर देर रात तक दर्शक थिरकते रहे और फिल्मी गानों का आनंद लेते रहे। सनसिटी कॉलोनी में हर्षिता खरे के घर पर नौकरानी ने उन्हीं के पर्स से 7,000 रुपए निकाल लिए। हालांकि नौकरानी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो वो पर्स से रुपए निकाल रही है, तो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। दरअसल हर्षिता खरे को पहले से इस बात पर शक था कि शायद उनके घर से चोरी हो रही है या सामान जा रहा है। इसी के बावजूद उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया और अब नौकरानी साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में पर्स से रुपए निकालते कैद हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। थाना पुलिस ने नौकरानी को समझाइश देकर उसे छोड़ दिया है। हाँ, ये हमारे यहाँ काम करती थी, आई थी बैजंती नाम था इस भाई का। तो बीच में इसने क्या किया कि मेरे पास मतलब 10,000 की गड्डी रखी हुई थी, तो इसने चोरी की मेरे पर्स से, अलमारी से निकाले इसने। तो जब मैंने नेक्स्ट डे देखा तो मैंने सर से कहा कि आपने मुझे कम पैसे दिए हैं, तो सर बोले नहीं, मैंने पूरे गिन के तुम्हें पैसे दिए हैं। मैंने कहा चलो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। नेक्स्ट डे देखा तो उसमें और कम थे, उसमें करीब 3,500 रुपये करीब बचे थे, मतलब 10,000 की गड्डी में से। अब डाउट हुआ, घर में भी बच्चों से पूछा, लेकिन बच्चों को सवाल ही नहीं उठता। तो उसके बाद फिर इस पर शक गया, क्योंकि यही कमरे में जाती, कोई दूसरी बाई जाती नहीं है, इस पर शक गया। मगर इसने आना बंद कर दिया, इसको फिर कई बार बुलाया, फिर हम लोगों ने हमारे बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाया सिर्फ इसको पकड़ने के लिए, मगर इसने आना बंद कर दिया। 2 महीने बाद ये बड़ी मुश्किल से ये आई है। पहले घर में काम करती थी एक महिला बैजंती विश्वकर्मा करके, वो कुछ दिन से काम वाम छोड़ गई थी। उनको डाउट था, पहले भी बैग एक से पैसे निकल गया था, हालांकि उनको डाउट था कि ये कर सकती हैं। तो आज फिर काम करने के लिए उसको बुलाया, तो सीसीटीवी कैमरे जो पैसे बैग से निकालती हुई देखी गई है, तो 300-400 रुपये उसके पास पाया भी गया है। तो पता कहना है कि पैसे वापस चलिए, कार्रवाई कराने बाद उनको समझाई दी गई। नेशनल SC/ST OBC यूथ फ्रंट द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों से अपमानजनक व्यवहार हो रहा है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। छतरपुर में कदारी के नन्नेपुरवा के माध्यमिक शाला में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, उनसे शौचालय साफ कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें खाना भी फेंक कर दिया जा रहा है, जो कि बेहद अपमानजनक है। छतरपुर जिले के ग्राम कदारी में नन्नेपुरवा स्कूल है, वहाँ पर छात्राओं से, खासकर SC/ST की छात्राओं से शौचालय साफ करवाया जाता है और उन्हें जो मिड डे मील चल रहा है वो खाना फेंक के दिया जाता है। कदारी की बात है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर ये जाति भेद वहाँ से ख़त्म किया जाए और जो वहाँ पर हुआ है प्रशासन सभी छतरपुर के स्कूलों में जाए और वहाँ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं के प्रवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया बालिका शिक्षा पर्व। जिले भर में 1,313 छात्राओं को दी गई 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति। त्योहारी सीजन पर बड़ी मात्रा में नकली मावा आ रहा छतरपुर। मुखबिर की सूचना पर नौगांव पुलिस ने किया 10 क्विंटल से भी ज्यादा नकली मावा जब्त।
बुधवार को नगरपालिका में मेला जल विहार में रही ऑर्केस्ट्रा की धूम, देर रात तक फिल्मी धुनों पर थिरके दर्शक। नौकरानी ने पर्स से निकाले पैसे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हरकत।